24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान को जीत मिली और भारतीय टीम को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय टीम से पाकिस्तान ने T20 में जीत हासिल की हो। इस जीत को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने एक टिप्पणी की और पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताया, जिस पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और उनके बयान पर हैरानी जताते हुए जमकर निशाना साधा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताने के बाद पाक गृह मंत्री विवादों में फंस गए हैं। इसी के चलते मंत्री शेख रशीद भारतीयों के निशाने पर आ गए हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है और उनके बयान पर पलटवार भी किया। ओवैसी ने पाक मंत्री से सवाल किया है कि आखिर इस्लाम का क्रिकेट मैच से क्या लेना देना है। ओवैसी मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए पाकिस्तान, नहीं तो इन पागलों को हमें देखना पड़ता। शर्म नहीं आती पाकिस्तान को? तुम मलेरिया तक की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकते। भारत बहुत आगे है, इसलिए हमसे पंगा ना लो। गौरतलब है कि एक वीडियो संदेश में इमरान के मंत्री रशीद ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारी की वजह से ग्राउंड में नहीं देख सका। ये जश्न पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुसलमानों को मुबारक हो। DB लाइव की रिपोर्ट।